नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पशुपालन करने वाले बिहार के किसानों के नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला किया है। गर्मी के दिनों में दूध का उत्पादन घटने के बावजूद पशुपालकों को घाटा नहीं होगा। दूध उत्पादन घटने पर होने वाले घाटे की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए सरकार ने उन्हें सब्सिडी देने की योजना बनाई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुपालकों को प्रति लीटर 3 रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया है। यह उन पशुपालकों को मिलेगा जिन्होंने दुग्ध सहकारी समिति के जरिए दूध बेची हो। वर्ष 2023 में अप्रैल से जून के बीच दूध बेचने वाले पशुपालकों के लिए विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। बायजूस ने इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिनी थाटिल को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। कंपनी ने बीते दिन सोमवार को यह जानकारी दी। थाटिल को अनिल गोयल की जगह पर नियुक्त किया गया है। बायजू इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्जुन मोहन ने कहा कि हमें बायजू के सीटीओ के रूप में जिनी थाटिल को प्रमोट करते हुए खुशी हो रही है। उनका व्यापक अनुभव व लीडरशिप उन्हें इस अहम भूमिका के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाता है। उन्होंने कहा कि हम अनिल गोयल का उनके बेहतर काम के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद और नालंदा जैसे जिलों में पान की खेती होती है। बिहार सरकार मघी पान की खेती करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी योजना लेकर आई है। सूबे की सरकार विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत पान की खेती करने वाले किसानों को 50% की सब्सिडी देती है। इसके लिए बिहार सरकार ने 300 वर्ग मीटर में पान की खेती के लिए 70,500 रुपए की लागत तय की है। ऐसे में 50% अनुदान के तौर पर किसान को 35,250 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस योजना का लाभ केवल नवादा, औरंगाबाद, गया और नालंदा जिले के किसानों को ही मिलेगा। भारतीय सेना ने लद्दाख के जोजिला दर्रे के निकट अपनी दमदार तोप फोर्ज थंडरस्टॉर्म को तैनात किया है। यह तोप 11,500 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में तैनात की गई है। सेना की उत्तरी कमान की तोपखाना रेजिमेंट ने लद्दाख के इन पहाड़ियों में अभ्यास भी किया है। जानकारी के मुताबिक सेना की तैयारियों के तहत 15 मीडियम रेजिमेंट बटालिक बॉम्बर्स ने यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियों वाली घाटी में अपने एक्शन स्टेशन तैयार किए हैं। सेना के इस ड्रिल का उद्देश्य स्वयं के कौशल को और बेहतर करना है। शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका सोमवार को जारी कर दी है। छुट्टी तालिका में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। वहीं गर्मी की छुट्टी 20 से बढ़ाकर 30 दिनों का कर दिया गया है। विभाग ने इस बार यह भी तय कर दिया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अन्य दिनों की भांति स्कूल आते रहेंगे। दिवाली में 1 दिन और छठ में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। तीज और जितिया की छुट्टी खत्म कर दी गई है। ईद व बकरीद के मौके पर 3-3 दिनों की छुट्टी रहेगी। होली पर 2 व दुर्गा पूजा में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने पहली बार पहली से 12वीं कक्षा के लिए एक तरह की छुट्टी तालिका तय की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे और वैश्विक निवेशकों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए भविष्य में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा वर्चुअल तौर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए सीतारामन ने कहा कि निवेशकों को अप्रैल मई 2024 में होने वाले चुनावों के नतीजों के बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। निवेशकों का चिंतित होना स्वाभाविक है और हम इसको समझते भी हैं। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। जहां नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान दे दिया है, उन स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। कई स्कूलों से अतिथि शिक्षक को हटा भी दिया गया है। साथ ही एजेंसी के माध्यम से लिए टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाया जा रहा है। इन्हें सितंबर में ही रखा गया था। अतिथि शिक्षकों और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत टेक्निकल फैकल्टी को हटाने से संबंधित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने पत्र जारी कर दिया है। भारत को चालू वित्त वर्ष में लगभग 155 मिलियन घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक देखने का अनुमान है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू वाहकों के ग्राउंडेड विमानों की संख्या लगभग 200 होने की उम्मीद है। विमानन सलाहकार फर्म CAPA इंडिया ने कहा कि मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात लगभग 70 मिलियन होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यातायात अब तक हर महीने वित्त वर्ष 2020 के स्तर से ऊपर रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में रिकवरी की ताकत कम हो गई है। राज्य के मौसम में बदलाव आने के कारण प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब हो गई है। सोमवार को सिवान राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा 339 AQI रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी में वायु प्रदूषण 304 AQI रहा। पटना के अलावा आरा, छपरा, हाजीपुर, मोतिहारी एवं बेतिया में भी वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब रही। मानक से ज्यादा वायु प्रदूषण होने पर इसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके बिजली चोरों में डर कम नहीं है, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। हालांकि विभाग की ओर से मॉर्निंग रेड स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली चोरी रोकने की कवायद की जा रही है। हालत यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में डिस्कॉम की रेड और विजिलेंस टीम ने 435 करोड़ से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी है। इसके तहत 89,000 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के बीच जल्द ही भारत जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 स्तर के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे, जबकि जापान की ओर से 2+2 वार्ता में जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और विदेश मंत्री योको कामिकावा शामिल होंगे। हालांकि अभी इस बैठक को लेकर किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी। भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है। साल 2027 से लड़ाकू विमानों की उत्पादन क्षमता में 3 गुना वृद्धि करते हुए HAL हर साल 24 तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण अपनी फैक्ट्रियों में करेगा। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में लगभग 300 तेजस लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे। इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में यह महत्वपूर्ण वृद्धि आवश्यक है। कोरोना बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत में भी इसके केस कम जरूर है, लेकिन लगातार मिल रहे हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कई देशों में कोरोना की लहर अब भी परेशान कर रही है। गनीमत यह है कि ये पहले की तरह जानलेवा नहीं है। कोरोना के लिए स्टेरॉयड दवा डेक्सामेथासोन को लाइफ सेविंग बताया गया था। दूसरे देशों में इस्तेमाल के बाद इसका असर भी दिखने को मिला, लेकिन भारत में यह दवा किसी काम की नहीं निकली, यानी इसका असर अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मोबाइल मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना जल्द ही 105 मिलीमीटर 37 कैलिबर की तोपों से लैस 200 नई माउंटेड होविट्जर तोपें खरीदने के लिए जल्द ही निविदा जारी करने जा रही है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह खरीद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी। पहली बार भारतीय तोपखाने में इस प्रकार की 105 मिलीमीटर की माउंटेड होविट्जर तोपें शामिल होंगे। इसमें अग्रिम पंक्ति में तैनात टुकड़ियों को ताकत में वृद्धि होगी। अंतर सरकारी ढांचे के तहत भारत मार्च तक अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के ऐतिहासिक सौदे को अंतिम रूप दे सकता है। उम्मीद है कि अमेरिकी कांग्रेस से अगले कुछ हफ्तों में इस ड्रोन को आपूर्ति को मंजूरी मिल जाएगी। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी की प्रमुख रक्षा कंपनी जनरल एटोमिक्स से ड्रोन खरीद के लिए भारत के अनुरोध पत्र पर वाशिंगटन से जवाब मिलने के बाद अमेरिका और भारत के अधिकारी खरीद पर अंतिम बातचीत करेंगे। सशस्त्र बलों के निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम किलर ड्रोन को खरीद रहा है। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस ने सोमवार को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माण और वित्त के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की सुंदरता यह है कि इसमें 78 देशों को प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भारतीय फिल्मांकन की ताकत है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी उनके प्रयासों के लिए सराहना की। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ प्रकाश पर्व पर यहां के लॉन्ग आइलैंड में एक गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थकों ने धक्का मुक्की की। यह घटना उस समय हुई जब वह माथा टेकने गए थे। संधू ने रविवार को एक्स पर लिखा, लॉन्ग आइलैंड के गुरु नानक दरबार में उन्हें गुरु पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान कीर्तन सुना, गुरु नानक के एकजुटता एकता और समानता के शाश्वत संदेश के बारे में चर्चा की, लंगर में शामिल हुआ, सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। बिल गेट्स और नारायण मूर्ति जैसी दो सफल हस्तियों के बीच काम के घंटों को लेकर मतभेद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हल्के फुल्के अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा। बिल गेट्स कहते हैं कि 3 दिन का कार्य सप्ताह होना चाहिए, जबकि नारायण मूर्ति इसे 70 घंटे करना चाहते हैं। ऐसे में बिल गेट्स और नारायण मूर्ति को साथ बैठना चाहिए और एक चीज पर सहमत होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो यकीनन उस कार्य संस्कृति में सहमति बनेगी जिसका हम आज पालन कर रहे हैं, मतलब 5 दिन का कार्य सप्ताह। खपत में तेजी और पूंजी निवेश के बल पर दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान है। एक साल पहले समान तिमाही में यह 6.2% रही थी। हालांकि इस साल अप्रैल जून में यह 4 तिमाहियों में सबसे अधिक 7.8% रही थी। उसकी तुलना में गिरावट की आशंका है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े 30 नवम्बर को जारी करेगी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2023-24 की दूसरी तिमाही में विकास की गति लचीली थी। सरकारी पूंजीगत खर्च की तेज रफ्तार और खपत से भी अर्थव्यवस्था में तेजी बनी है। विकास की गति से इस महीने की शुरुआत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने पूर्वानुमान को 1.40% बढ़ाकर 7.2% और 2023-24 के लिए 0.40% बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस सप्ताह दुबई की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री यूएई में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यावरण बदलाव पर होने वाली बैठक COP28 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कई विश्व नेता जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है।
कुछ ही दिन में साल 2023 बीत जाएगा और लोग नए साल 2024 का जश्न मनाने वाले हैं। ऐसे में अगर आप भी कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC आपके लिए एक बेहद ही किफायती एयर टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें आप थाईलैंड के 2 शहर जाकर घूम पाएंगे। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक IRCTC ने ट्रेजरर्स ऑफ थाईलैंड एक्स मुंबई नाम से एक टूर पैकेज लाया है। इस पैकेज के तहत आपको 4 रात और 5 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज के दौरान आपको बैंकॉक और पटाया की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 58,900 रुपए खर्च करने होंगे। आम जनता के बीच लोकप्रिय हो रही भारतीय रेल की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में भारत की शाही ट्रेनों पैलेस ऑन व्हील व मराठा एक्सप्रेस की तरह रेल यात्री सुविधाएं होने जा रही हैं। इसके तहत वंदे भारत ट्रेनों में हाउसकीपिंग, कैटरिंग, पेय पदार्थ, यात्रा संबंधी सामग्री व एक समर्पित सहायक जो कि ऑन बोर्ड व ऑफ बोर्ड यात्रियों की सेवा में हाजिर रहेगा। यात्री सेवा की कमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पेशेवर कंपनी को सौंपी जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की हार का जश्न मनाने के आरोप में कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय के 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इन छात्रों पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक ये केस यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र की शिकायत पर दर्ज हुआ है। छात्र का आरोप है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती तो ये कश्मीरी छात्र पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे और शिकायत करने वाले छात्र को धमका रहे थे। इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कई छात्रों की एक दूसरे से तनातनी हो गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में निर्मित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि देश में मोबाइल निर्माण उद्योग ने $44 बिलियन के आंकड़ों को पार कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के होसूर में टाटा आईफोन प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि कुछ नेता समझते हैं कि देश में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन का आयात किया जाता है। सरकार ने ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए 2 व्यक्ति के बीच होने वाली पहली लेन देन प्रक्रिया के लिए कुछ नियमों को लाने का फैसला लिया है। जी हां, धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से कुछ नियमों पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत अगर 2 लोगों के बीच पहली बार ऑनलाइन लेन देन होगा तो इस प्रोसेस में 4 घंटे का समय लगेगा। साथ ही न्यूनतम समय सीमा लागू करने की भी योजना है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी सबसे पसंदीदा पल और विकेट का खुलासा किया है। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में लिए विराट कोहली के विकेट को इस वर्ल्ड कप का सबसे यादगार पल बताया है। उस मैदान पर जब पैट कमिंस ने विराट कोहली को आउट किया तो ऐसा लगा कि वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं है। द एज की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप 2023 के बारे में एक रिपोर्टर ने पैट कमिंस से पूछा कि 70 साल की उम्र में उन्हें वर्ल्ड कप 2023 का सबसे यादगार पल कौन सा लगेगा, जिसके बारे में वो हमेशा सोचते रहेंगे। इस सवाल के जवाब में पैट कमिंस ने कहा कि फाइनल में लिया हुआ विराट कोहली का विकेट मेरे जीवन का एक बेस्ट मोमेंट होगा, जिसे मैं अपनी आखिरी वक्त में भी याद करूंगा। यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए व्हाट्सएप समय समय पर ऐप में नए अपडेट देती रहती है। इसी बीच कंपनी के एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के पास उपलब्ध है। दरअसल कंपनी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चैट विंडो में लास्ट सीन के अलावा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए काम कर रही है। यानी नए फीचर के तहत आपको चैट विंडो में यूजर के लास्ट सीन के अलावा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी दिखेगी। साथ ही यूजर लास्ट सीन और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के भी स्विच कर पाएंगे। लास्ट सीन आपको तब दिखेगा जब सामने वाले व्यक्ति और आपने इसे ऑन किया होगा। अगर आपने कोई जमीन, फ्लैट, मकान या बिल्डिंग खरीदा है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। किसी भी तरह की अचल संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स देना अनिवार्य है, जो संबंधित निकाय में जमा करना होगा। अचल संपत्ति के मालिक को 6 महीने या फिर सालाना आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। अगर आपने यह टैक्स नहीं चुकाया है तो जुर्माने के साथ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स ठीक उसी तरह भरा जाता है जिस तरह से रेगुलर इनकम वाला व्यक्ति टैक्स भरता है। प्रॉपर्टी चार्ज कई शहर में साल में 2 बार 6-6 महीने भरा जाता है। सोने चांदी के भावों में आज उछाल दर्ज किया गया है। ग्लोबल मार्केट में मजबूती आने से सोने की चमक बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट में मजबूती से आज चांदी के भावों में भी मजबूती देखी गई। ग्लोबल मार्केट में सोना $13.74 की तेजी के साथ $2016.26 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी $0.27 की मजबूती के साथ $24.61 प्रति औंस पर है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट पर दिए रेट के मुताबिक आज सोने चांदी के भावों में उछाल दर्ज किया गया है। कैंसर मरीजों के लिए एक राहत की खबर आई है। कैंसर मरीजों के वित्तीय बोझ कम करने के लिए हरियाणा सरकार आगे आई है और हर महीने कैंसर मरीजों को ₹3,000 मासिक वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें कहा गया है कि कैंसर मरीज स्टेज 3 और 4 का रोगी हो। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए स्टेज 3 और 4 के रोगियों के वास्ते ₹3,000 की मासिक सहायता देने की योजना को सोमवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले से लगभग 22,808 मरीजों को फायदा होगा।
हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचार हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धर्मेंद्र कुमार, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौसद अंसारी, खुशी सिंह, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ठंड के दिनों में आप देश के किस हिस्से का भ्रमण करना चाहते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।